हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 12 में हम सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चेन रूल स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 11 में था, उसको भी हमने देखा अच्छे से, इसको भी देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चेन रूल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर ये ब्रैकेट के बदले एक्स होता, सिर्फ एक्स, तो log x बन जाता। तो log x का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या आता, 1/x, ठीक है। यानी कि हम ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे किसी और चीज से और बाद में उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, और फिर चेन रूल के हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले लेट u इक्वल्स टू log x, ब्रैकेट को ही हमेशा या तो ऐसे चीज को रिप्लेस करो जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, डिफरेंशिएटिंग अभी विद रिस्पेक्ट टू, जो डिफरेंशिएट करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे डिफरेंशिएट करना है तो देखना है यू के नीचे क्या लिखा है चेन रूल में, एक्स, इसलिए इसको एक्स से डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो डिफरेंशिएट करना है यानी कि डी बाई डी एक्स दोनों जगह लिखना है। ओके, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली फॉर्मूला से ही हम अवेलेबल है, विच इज 1/x, यानी कि du by dx जो हमें फाइंड आउट करना था चेन रूल के हिसाब से, du by dx, उसका आंसर 1/x आ गया। नेक्स्ट देखते हैं dy by du का किस तरह से कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो ये जो log x है उसको हमने u एज्यूम किया था, अब वो u आप यहां पे रखो, ब्रैकेट के बदले आप यू रखो, तो क्या बनेगा, वाई इक्वल्स टू, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ब्रैकेट के बदले यू रखो इसके हिसाब से, तो क्या बनेगा, लॉग ब्रैकेट के बदले यू, ये वाई का है। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब इसमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो भी देख लो, y के नीचे u है इसलिए इसको u से डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा d by du of y equals to d by du of log u। तो फिर से log u का फॉर्मूला यानी कि log x का ही फॉर्मूला ले लो, क्योंकि यहां पे u इसलिए यहां पे u है, इसका आ जाएगा 1/u, 1/u के बदले अभी हम u का जो assumption था वो इसमें रखेंगे, तो आएगा u के बदले फिर से log x। आपको याद रखना है कि जो भी आंसर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि चेन रूल में डालने के लिए जो हम आंसर निकाल रहे हैं, जैसे इसमें du by dx का लास्ट में x के टर्म में आया, ठीक है, तो ये चलेगा, dy by du यहाँ पे u के टर्म में है तो ये u का टर्म यहाँ पे नहीं डाल सकते, इसलिए इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x में आ गया, अब dy by du का ये जो x का है वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यानी समझ लो कि दोनों का आंसर जब इसमें डालना हो तो x के फॉर्म में आंसर दोनों के होने चाहिए। अब चेन रूल में लिखता हूं, dy by dx equals to dy by du into du by dx, dy by du का आंसर 1/log x, du by dx का आंसर 1/x। अभी कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो नहीं, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ये x और x को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि log के बाद जो भी टर्म है ना वो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखें। तो ये हो जाएगा 1/x log x, ये आपका आंसर, राइट। तो इसी के साथ हमने सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक यानी चेन रूल का हमने स्टडी किया है। इसके बाद एक दो और क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।